हेलो एवरीवन, टेक आउट योर हिस्ट्री बुक, ओपन पेज नंबर 71। यहाँ पे हम चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। हमने गौतम बुद्ध और महावीर के बारे में पढ़ा, संघ के बारे में पढ़ा कि वो कैसे रहते थे, उनके रूल्स क्या थे, वो कैसी अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे। अब हम पढ़ेंगे कि वो कहाँ पर रहते थे। ओपन पेज नंबर 71, मोनेस्ट्रीज। टू बिगिन विद, बोथ जैन एंड बौद्ध बुद्धिस्म मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टीचिंग पीपल। जो बुद्धिस्म और महावीर में जो जैन धर्म और बुद्धिस्म होते थे, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रैवल ही करते रहते थे, लोगों को अपना ज्ञान बांटने के लिए और लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को रूल्स बताने के लिए वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस सालों साल घूमते रहते थे। The only time they stay in one place was during the rainy season when it was very difficult to travel. वो एक ही साल में एक ही टाइम था रेनी सीज़न का, बारिश का जब मौसम आता था तो उन्हें एक ही जगह पर रुकना होता था, क्योंकि बारिश के मौसम में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। Then their supporters built temporary shelters for them in gardens or they lived in natural caves in hilly areas. फिर जो उनके सपोर्टर्स थे, जहाँ पे भी वो रेनी सीजन जहाँ पे वो रुकते थे, जो उनके सपोर्टर्स थे, जो लोग अपना घर अपना परिवार नहीं छोड़ते थे लेकिन फिर भी वो उन धर्मों को फॉलो करते थे, तो वो लोग उनकी मदद करते थे। जो लोग संघ में रहते थे उनकी मदद करते थे उस प्लेस में रहने के लिए, उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करते थे, उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे जहाँ पर वो रह सकें, या फिर उनको गुफाओं में, वो लोग गुफाओं में, हिली एरियाज में, जहाँ पे भी वो लोग जो उनके सपोर्टर्स थे, जहाँ पे उन लोग जगह प्रोवाइड करते थे, वो लोग संग वो लोग वहाँ पर जाके रह लेते थे रेनी सीजन्स में। As time went on, many supporters of the monks and nuns and they themselves felt the need for more permanent shelters and so monasteries were built. ऐसे ही सालों साल चलता रहा, जो मॉन्क्स और नंग्स थे, मतलब जैन और बुद्धिस्ट जो धर्म फॉलो करते थे, जो संघ में रहते थे, वो लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते थे लोगों को सिखाने के लिए, टीच करने के लिए और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, नॉलेज को गेन करने के लिए वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते थे। लेकिन साल में एक टाइम ऐसा था जो रेनी सीजन था, बारिश का मौसम था, जिन्हें उनके लिए ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था, तो वो एक ही प्लेस में कुछ टाइम के लिए रुक जाते थे। तो तब सपोर्टर्स होते थे उनके, जो लोग अपना परिवार और अपनी फैमिली को नहीं छोड़ते थे, वो लोग उनकी मदद करते थे, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करते थे, उनकी रहने में उनकी मदद करते थे, उन्हें रहने के लिए शेल्टर देते थे जिन पे वो रह सकें। फिर एक टाइम ऐसा आया जब लोगों ने ये सोचा कि जब वो लोग ट्रैवल करते हैं और बारिश के सीज़न में वो लोग ट्रैवल नहीं कर पाते, तो उनके लिए मोनेस्ट्रीज बनाई जाए, मतलब उनके लिए एक ऐसे परमानेंट शेल्टर बनाया जाए जहाँ पर वो बारिश के सीज़न में आके रह सके। तो उनके लिए शेल्टर्स को बनाया गया, उनके लिए परमानेंट शेल्टर्स को बनाया गया, मोनेस्ट्रीज को बनाया गया, जो कि आपको इस पर दिख रहा होगा ये गुफाएं हैं। दीज वर नोन एज अ विराज, और उन मोनेस्ट्रीज और उन शेल्टर्स को विरा बोला गया। उन मोनेस्ट्रीज और शेल्टर को क्या बोला जाता था? विराज। टर्न द पेज। द अर्लियर विराज वॉज मेड ऑफ वुड एंड देन ऑफ ब्रिक्स, सम वर इवन इन केव्स, दे वर डग आउट इन हिल्स स्पेशली इन वेस्टर्न एरिया। जो विराज होते थे वो लकड़ी के बने होते थे या फिर गुफाओं के अंदर होते थे, गुफाओं के अंदर वो गड्ढा खोद के वहाँ पर रहते थे, हिली एरियाज थी। और ये वो विराज कहाँ पर बनाए गए थे? मोस्टली वेस्टर्न इंडिया में बनाए गए थे। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेलर्स, जो बुद्धिस्ट बुक थी जिसमें बुद्धिज्म धर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, वो हमें कुछ बताती हैं। जस्ट एज अ वाटर ऑफ रिवर लॉस्ट देयर नेम्स इन सेपरेटनेस व्हेन दे फॉलो फ्लो इनटू द माइटी ओशियन, सो आर द वर्णा एंड रैंक्स एंड द फैमिली फॉरगॉटन व्हेन द फॉलोवर्स ऑफ बुद्धा जॉइन इन ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स। जैसे ही जो नदी होती है, जो रिवर होती है, जो नदी समुद्र होता है, वो जब पानी बहना शुरू होती है तो वो पानी बहते हुए कहीं भी चली जाती है, कोई भी नाली में, कोई भी शहर में वो बहती ही चली जाती है, वो अपना नाम अपनी आइडेंटिटी भूल जाती है। वैसे ही जो लोग जैन और बुद्धा धर्म को फॉलो करते हैं, बुद्धा धर्म को फॉलो करते हैं, तो वो लोग अपनी जाति, अपनी धर्म, भेदभाव, ये सब चीज़ों को भूल जाते हैं और इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विरा वॉज बिल्ट वॉज डोनेटेड बाय द रिच मर्चेंट और अ लैंड लॉर्ड और द किंग।
जो लोग विरह को बनवाते हैं वो डोनेट करते हैं, वो उस लैंड को विरह के लिए, मतलब वो बुद्ध और जैन धर्म के लिए वो उस लैंड को डोनेट कर देते हैं, मतलब दान में दे देते हैं। और वो लैंड कौन देता है, या फिर कोई अमीर आदमी, या फिर जिसकी वो लैंड हो, वो बहुत ज़्यादा अमीर हो, तो वो उस लैंड को दान में दे देते हैं। द लोकल पीपल कैन नॉट लोकल पीपल केम विद गिफ्ट्स ऑफ फूड क्लोथिंग मेडिसिन फॉर द मॉक्स एंड नन्स। और जब संघ वहाँ पे रहने आते हैं तो जो लोकल पीपल रहते हैं, जो उस विलेज या उस शहर के जो लोग रहते हैं, वो उस संघ के लिए, मतलब मॉन्क और नन्स के लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं, खाने के लिए लेके आते हैं, पहनने के लिए कपड़े लेके आते हैं, मेडिसिन लेके आते हैं। इन रिटर्न दे टॉट द पीपल, और उसके रिटर्न में जब वो लोग इतनी सारी चीज़ें उनके लिए लेके आते हैं, तो उस रिटर्न में उनके लिए वो उनके जो संघ होती हैं, जो मॉन्क्स और नंग्स होते हैं, वो अपने धर्मों के बारे में उनको कुछ अच्छी चीज़ें उपदेश, अच्छी चीज़ें या सिखाते हैं या उपदेश देते हैं। ओवर द सेंचुरी बुद्धिज़्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। धीरे धीरे जैसे ही टाइम बढ़ता गया, बुद्धिज़्म अपने सब कॉन्टिनेंट में पूरी जगह फैल गए, मतलब हर कोई बुद्धिज़्म को फॉलो करने लगा और पूरी जगह सब कॉन्टिनेंट्स में फैल गए। द सिस्टम ऑफ आश्रम, अब देखते हैं आश्रम में क्या सिस्टम था। आश्रम आपको पता है, जो बिल्कुल मोह माया से दूर, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, जो अपना घर परिवार छोड़ देते हैं, वो लोग आश्रम में रहते हैं। अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर बिकमिंग पॉपुलर, ब्राह्मिन्स डेवलप द सिस्टम ऑफ आश्रम। जैसे ही बुद्धिज्म डेवलप होता जा रहा था, तो ब्राह्मिन्स ने क्या किया, उन्हें आश्रम बनाना शुरू कर दिया। हियर द वर्ड आश्रम डज नॉट मीन अ प्लेस वेयर पीपल लिव एंड मेडिटेट। आश्रम का मतलब ये नहीं है कि लोग वहाँ पे रहें और मेडिटेट ही करें। इट इज़ यूज इंस्टेड फॉर द स्लेव ऑफ लाइफ। ये इसलिए है क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगी बचाना चाहते हैं, लोगों को एक शेल्टर प्रोवाइड करना चाहते हैं। फोर आश्रम्स वर रिकनॉइज, चार आश्रम्स होते हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वर्णप्रस्थ एंड सम्यास। ये चार आश्रम्स होते हैं, कौन कौन से, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वर्णप्रस्थ एंड सम्यास। ब्राह्मिन, कास्टी एंड विश्या मैन वो एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइफ एंड स्टडी द वेदास ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ। जो ब्राह्मिन और कष्टिया होते हैं, विश्वास होते हैं, उनके जो मैन होते हैं, वो बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं और वो वेदास को पढ़ते हैं, तो उन्हें ब्रह्मचार्य बोला जाता है। देन दे हैड टू मैरी एंड लिव इन हाउस होल्ड। फिर उसके बाद वो शादी कर लेते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो उसे गृहस्थ बोला जाता है। देन दे हैड टू लिव इन फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। फिर उसके बाद वो जंगल में रहते हैं और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, ध्यान में रहते हैं, उन्हें वनप्रस्था बोला जाता है। फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम समस्या। फिर उसके बाद वो लोग सब कुछ गिव अप कर देते हैं, मतलब उसके बाद वो लोग मर जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं समस्या। ये फोर आश्रम्स होते हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्था एंड समस्या। संन्यासा, उसमें ब्रह्मचार्य वो होते हैं जो ब्राह्मीण, काष्ठी, वैश्य, जो लोग वेदास को पढ़ते हैं, वेदास को पढ़ते हैं, वो सिंपल लाइफ जीते हैं, उसे ब्रह्मचार्य बोलते हैं। गृहस्थ, जो लोग शादी कर लेते हैं, अपने हाउस होल्ड में रहते हैं और अपने घर परिवार को संभालते हैं। और वनप्रस्था वो होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं और ध्यान करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं। और समस्या, जो हर चीज़ों को गिव अप कर चुके होते हैं, अपनी लाइफ को पूरी कर चुके होते हैं, उसे सम्यानिस बोलते हैं, संन्यास ले लेते हैं वो लोग। इन मेडिटेशन जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड। जो वुमेन होती हैं, उन्हें वेदास पढ़ने अलाउ नहीं होता, उन्हें परमिशन नहीं दी जाती है, वो वेदास को नहीं पढ़ते हैं, और उन्हें उन्हीं आश्रम को चुनना पड़ता है जो उनके हस्बैंड वो आश्रम को चुनते हैं। उन्हीं आश्रम में रहना होता है जो उनके हस्बैंड आश्रम को चुनते हैं, जिस आश्रम को उनके हस्बैंड चुनते हैं। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 73। एल्सवेयर पढ़ते हैं, जो हम हर चैप्टर के एंड में पढ़ते हैं। फाइंड ईरान इन योर एटलेस, आप अपने वर्ल्ड मैप में ईरान को फाइंड आउट करो। ज़ोरोस्टर वॉज एन ईरानियन प्रोपेंट, हिज टीचिंग वो आर कंटेन इन द बुक कॉल्ड द एवेस्टा। एक ज़ोरोस्टर था जो कि ईरान के थे, वो ईरानियन को
ईरानियन पढ़ाते थे, मतलब ईरानियन प्रोफेट, जैसे हमने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पढ़ा वैसे ही ईरान में ईरानियन पढ़ाते थे वो। और वो उनकी एक बुक थी जिनमें ईरानियन के बारे में लिखा था, वो बुक का नाम क्या था, एविस्टा, द लैंग्वेज ऑफ एविसिया एंड द प्रैक्टिस डिस्क्राइब इन इट आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द वेदास। वेदास के जैसे ही उनके भी रूल्स और उनके भी धर्म थे। द बेसिक टीचर और टीचिंग ऑफ जोरेस्टर आर कंटेनिंग इन द मैक्सिमम गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीज। जो उनके जो वो जो जोरेस्टर यहाँ पे एक धर्म है जो कि ईरानियन लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है, और जोरेस्टर जो ईरान में होती, ईरान में लोग फॉलो करते हैं, और जोरेस्टर में ये सिखाया जाता है कि अच्छा बोलो, अच्छा सुनो और अच्छा सोचो। गुड थॉट्स का मतलब होता है अच्छा सोचो, गुड वर्ड्स का मतलब होता है अच्छा बोलो, और गुड डीड्स का मतलब होता है अच्छा सुनो। हियर इज अ वर्ड्स फ्रॉम द जेन एविस्टा, एविस्टा बुक है जिसमें जोरेस्टर धर्म के बारे में लिखा है, उसमें ये लाइंस लिखी हैं। लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। उसमें लिखा हुआ है कि गॉड हमें अच्छी स्ट्रेंथ दो, हमें सच्चाई के रास्ते में चलने की शक्ति दो, हम अच्छा सोचें और हम हमेशा लोगों के साथ अच्छा करें और शांति से अपनी लाइफ को स्पेंड करें। फॉर मोर देन अ थाउजेंड ईयर, हजार साल से भी ज़्यादा, जोरेस्ट्रियम वॉज अ मेजर रिलीजन इन ईरान। जोरेस्ट्रियम बहुत बड़ा धर्म था ईरान का। लेटर सम जोरेस्ट्रियन माइग्रेट फ्रॉम ईरान एंड सेटल डाउन इन द कोस्टल टाउन्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। कुछ टाइम बाद, हजार साल से भी ज़्यादा, जोरेस्ट्रियम बहुत बड़ा धर्म बन चुका था ईरान का। फिर कुछ टाइम बाद जो लोग जोरेस्ट्रियन थे वो लोग ईरान से चले गए थे, और वो लोग कोस्टल टाउन्स में सेटल हो गए थे, गुजरात और महाराष्ट्र में जाके बस गए थे। देवर एंड एंस्टर ऑफ टुडे पारसी, और जोरेस्टर को अब पारसी के नाम से जाना जाता है, मतलब अब उनका धर्म पारसी है। जोरेस्टर को अब पारसी के नाम से जाना जाता है। वो लोग ईरान सिटी को छोड़कर वो लोग दूसरे सिटी में गुजरात और महाराष्ट्र में जाकर सेटल हो गए थे। यहाँ पे जोरेस्टर धर्म है जो ईरान में सब बहुत लोग फॉलो करते हैं, ईरान का बहुत बड़ा धर्म है और जो कि ईरानियन लैंग्वेज में है, और उसके सारे धर्म के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो एविस्टा बुक में लिखे हैं। ओके, तो हर धर्म में हमें यही सिखाता है कि हमें अहिंसा को फॉलो करना चाहिए, हमें अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए, और हर किसी की मदद करनी चाहिए और किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, ना ही किसी के साथ मारपीट करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ आपका ये चैप्टर 7 ख़त्म होता है। थैंक यू।